मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार की सुबह डोंडी लोहारा विधानसभा अंतर्गत 159 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 112 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन तथा 46 करोड़ रुपए के कार्यों के लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले में तीसरे दिन के अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत प्राचीन देऊर मंदिर में दर्शन करके की। मुख्यमंत्री ने गुरूर के देऊर मंदिर में भगवान शिव के प्राचीन शिवलिंग की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुश समृद्धि मंगल कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दल्ली राजहरा के सिटीजन क्लब में जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की बेहतरी के लिए प्राथमिकता से कार्य करें, किसी तरह की शिकायत का अवसर ना दें। उन्होंने नगर पंचायत डोंडी लोहारा में टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना को रोकने बालोद मार्ग पर जूझ नाला के पास स्पीड ब्रेकर और संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाला भवनों का समय पर मरम्मत किया जाए, इसके लिए राज्य स्तर पर 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं।